विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। नाजरीन, रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई, आसमान छूती पेट्रोल डीजल और पकवान गैस की कीमतों ने पहले ही मासूम व गरीब आवाम की कमर तोड़ रखी है, फिर इसके बाद मीट और चिकन की कीमतें भी हवा से बातें कर रही है। ऐसे में मुतवस्त तबके का आदमी तरकारी भाजी पर ही अपना गुजारा करने पर मजबूर हो गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मासूम आवाम को महज हवा और पानी से ही अपना पेट भरना पड़ेगा, क्योंकि तरकारी की कीमतें भी अचानक इनमें उछाल देखा जा रहा है, जिससे मासूम आवाम की जेब और पेट पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है। ऐसे में आखिर बेबस इंसान खाए तो क्या खाए। कल तक 20, 30, 40 रुपए फी किलो मिलने वाले टमाटर आज सेब से भी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। बाजारों में टमाटर की कीमत 100 से 120 रुपए तक तजावुज़ कर चुकी है। ना सिर्फ टमाटर बल्कि अदरक लहसुन, तमाम हरी सब्जियां, हरी मिर्च, नींबू, भिंडी यानी कि तमाम तरकारी ही अपना पावर बताने लगी। ऐसा लगता है कि महंगाई की वजह से सिर्फ तरकारी की तस्वीर देखकर ही खुश और मुतमईन आवाम को होना पड़ेगा, क्योंकि गरीब इंसान आखिर क्या कमाएगा और क्या खाक ही खाएगा और अपने ख़ानदान को खिलाएगा। हालांकि इंतखाबात सर पर है, लेकिन कोई भी सियासी पार्टी आवाम को फिर एक मरतबा गुमराह करने के लिए झूठे वादे करते हुए ही सही, मगर कोई भी आगे आकर इस महंगाई की मार से आवाम को नहीं बचा रहा। सियासी नुमाइंदे तो महज अपनी ही दुनिया में मस्त मगन है, क्योंकि इन्हें महंगाई से क्या खाक ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि इनके तो ख़जाने भरे पड़े हैं। इन सब के बीच महज मासूम गरीब आवाम ही पिसते चली आ रही है। ना ही आवाम गोश्त, चिकन, मटन खा सकती है, ना ही अंडे और तरकारी, क्योंकि सभी चीज़ों के दाम आम आदमी की पहुंच से बहुत ही ज़्यादा परे हो चुके हैं। ऐसे में आम इंसान करे तो क्या करे। आप तमाम नाजरीन का इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी कीमती राय भी हम तक ज़रूर पहुँचाए। एशियन TV न्यूज़ के ज़रिए गुड्डी मल कपूर के तमाम वहाँ पर कारोबार करने वाले ताजरों से भी वहाँ उनके तासुरात जानने की कोशिश की गई, जहाँ पर ताजरों ने भी शदीद गुस्से और बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना के रियासत दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत मुल्क के कई सारे हिस्सों में टमाटर के साथ साथ दीगर सब्जियों की कीमतों में भी ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है, जहाँ पर तमाम तिजारती कारोबारी मायूसी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें तरकारी टमाटर फरोख्त करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा है, जो कि इनकी कीमतें 100 से 150 को तजावुज़ कर चुकी है। गुड्डी मलकापुर के तमाम कारोबारियों ने हुकूमत से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द इस महंगाई की मार से आवाम को राहत दे, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल है। आइए जानते हैं इस खसूस में वहाँ के कारोबारियों के तासुरात। पेश रिपोर्टर सैयद फेरोज़ की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। मैं गुड्डी मलकापुर से मोहम्मद बात कर रहा हूँ। यह साल जितनी तरकारी महंगी, मेरी 32 साल की सर्विस में पहली मरतबा देख रहा हूँ। पहली मरतबा 140-130 रुपये किलो टमाटर है, गैस महंगा होगा, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, पढ़ाई महंगी है, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा जी के, रोज़ जो 100-200 कमाने वाला कैसा जीएगा। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, गरीब लोगों के लिए कुछ सब्सिडी देना चाहिए। हम गवर्नमेंट तेलंगाना से रिक्वेस्ट है, KCR साहब से, गरीबों के लिए बारे में सोचिए। आप ऐसा करेंगे तो आइंदा आपकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, क्योंकि कांग्रेस आ जाएंगी। ये मेरी 32 साल की सर्विस में कभी इतना महंगा नहीं देखा, मैं पहली मरता इतनी महंगाई हो गई है। अब यहाँ पर हम ला के भी रेट को रेट भी बेच रहे, हमको भी कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, 100-200 रुपये नहीं बच रहे। हमारे पास एक दो बच्चे काम करते हैं, तनख्वाह तक बराबर नहीं करे। हम तेलंगाना गवर्नमेंट से KCR से रिक्वेस्ट है, आप लोग सोचिए गरीब लोगों के बारे में, कुछ सब्सिडी दीजिए, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई, पढ़ाई महंगा होगा, हर चीज़ गैस में बढ़ा दिए, पेट्रोल में बढ़ रहा, डीजल में बढ़ गया, अब इलेक्ट्रिसिटी में पड़ते और पैसे डाल दिए, बढ़ा दिए, क्या गरीब आदमी कहाँ से लगेगा, किराया का रेंट बढ़ गया। अब बोलिए कहाँ से जिएगा गरीब आदमी, उसके बारे में हम सोचिए। और वोट लेने के टाइम में गरीब आदमी आता, जब घर घर आके रिक्वेस्ट करते, इसके 5 साल के बाद 5 साल तक गरीब आदमी याद ही नहीं आता, इलेक्शन के करीब गरीब आदमी याद आता। सोचिए गरीबों के बारे में, हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गवर्नमेंट से इसके बारे में सब्सिडी दिए गरीबों के बारे में। और बाहर एक्सपोर्ट करें, या खाने के लिए नहीं है, बाहर एक्सपोर्ट करें तरकारी, या एक्सपोर्ट बंद करो, हर चीज़ कम हो जाता है, या अपने लिए अपने मुल्क में नहीं है, दूसरे मुल्क को भेज रहे हैं आप लोग, अपने मुल्क अपने शहर के सोचिए पहले, बाहर के लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, गरीबों के बारे में सोच रहे नहीं है।
आप कैसे अड़ता तो हम अभी तक मरतबा रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि गरीबों के बारे में सोचिए, सब्सिडी दीजिए कि हर चीज़ की महंगाई है, हर चीज़ में रेटा बढ़े हुए। अब और उसके ख्वाहिशों का घर यूं ही नहीं बनता, आज की जमीन पर कल की बुनियाद रखनी पड़ती है। विश्वाक डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं आबादी से लगा हुआ वेंचर। सिरीन अर्बना एट राजापुर, तोहफा है शहर हैदराबाद की आवाम के लिए, हर आसाइश आपकी दहलीज पर, हर सहूलत आपकी पहुंच में। DTCP रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट, महफूज गेटेड कम्युनिटी, हाईवे से लगा हुआ वेंचर। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे सिक्योरिटी, 40 फीट BT रोड और मल्टीनेशनल कंपनीज के बिल्कुल करीब, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 30 मिनट की मुसाफत पर। बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट सिरीन अर्बना एट राजापुर, आगाज सुनहरे कनका, डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय विश्वाक डेवलपर्स। हेड ऑफिस एट गच्चीबोली, ब्रांच बिसाइड मंत्रा मॉल, पिलर नंबर 180, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7997996361।